फ्रेंड्स, मैं उदयश्री और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ सेजवान एग फ्राइड राइस। ये एकदम कम्प्लीटली प्रोटीन से भरपूर है और ये जो डिश मैं बना रही हूँ ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और ये जो है झटपट से बन जाती है। करीब हाफ एन आवर में आपका ये डिश बन के तैयार हो जाएगी और इसे आप लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हो, लंच में, डिनर में भी आप इसे खा सकते हो। सिंपल, आपको थोड़ा सा कुछ भी आपके पास अगर सॉसेज है या फिर आपके पास केचप भी है तो भी आप इसके साथ खा सकते हो। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक पतीले में पानी को गर्म करने के लिए रखती हूँ और इस पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और करीब 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। जैसे ही इसमें थोड़ा सा ये मैंने चावल को जो है थोड़ा सा भिंगो के, साफ करके भिंगो के रखी हूँ और मैं अभी यहाँ पर मसाला बना लेती हूँ। मसाला के लिए मैंने 1/2 इंच से थोड़ा कम अदरक ले ली हूँ, 10-12 कलियाँ मैंने लहसुन, 2 हरी मिर्च और 2 प्याज और 2 टमाटर। बीजों को मैंने निकाल दी हूँ और यहाँ पर मैं इसका एक मसाला बना लेती हूँ। इस मसाले को दरदरा पीस लें और यहाँ पर मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ ले ली हूँ, करीब 1 मुट्ठी के करीब मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ ले ली और इसमें जो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखी थी वही पानी मैंने इसमें डाल दी और अभी मेरे पानी में अच्छे से उबाल आ चुकी है और अभी मैं इस पर मैंने जो चावल भिंगो के रखी थी उस चावल को जो है मैं इसमें डाल दूँगी। पार्शल इसे बॉयल करना है, सेमी बॉयल करना है। बात को ज़रा नोट कीजिएगा, इसको एकदम से पका मत दीजिएगा आप। आपने भिंगो के रखा हुआ है तब थोड़ी जो है चावल में जो कड़कपन रहती है वो थोड़ी नरम हो जाती है। और अभी मैं ये चिंग्स की सेजवान फ्राइड राइस की जो मसाला का पैकेट आती है वो मैंने ले ली हूँ और यहाँ पर मैं मीट मसाला ले ली हूँ। अभी मैं सूखे मसाले तैयार कर लेती हूँ। चिंग्स मसाला मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कप्स की राइस बना रही हूँ और ये जो मीट मसाला है ये मैं 1 टीस्पून दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 cup is to 1.5 teaspoon सेजवान मसाला, मतलब 1 कप राइस तो 1.5 teaspoon आप सेजवान मसाला डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये सब भी डालनी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कश्मीरी मिर्च जो है डाल दी और इस मसाले को मैं अलग सा पाट करके रखती हूँ। अभी ये मेरी जो सोयाबीन है वो अच्छे से फूक चुकी है, इसे अच्छे से स्क्वीज करके मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ। इसे अच्छे से स्क्वीज कर ले वरना अगर पानी अंदर में रह जाएगी तो आपकी जो मसाला के अंदर ये भी तो पकेगी, उसके अंदर जो है अच्छे से नहीं समाती और फिर जो है वो टेस्ट एकदम बेकार सी हो जाती है। पानी को फेंक दे और इसको अभी हम लोग रख देते हैं। अभी मैंने ये राइस को जो है 1 बॉयल आते ही मैंने इसे बंद करके रखी। देखिए मैंने इसे सेम ही पकाई हूँ, जस्ट हल्का सा मेरी हल्की सी जो है मेरी ये राइस जो है दब रही है। अभी ये करने के बाद अभी मेरी बारी आती है ये सोयाबीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। सोयाबीन क्यों, मतलब क्यों खाना ज़रूरी है इसके बारे में आप jeevanjapan.com में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर रिसेंटली हाई प्रोटीन, वेगन प्रोटीन, मतलब वेजिटेरियन से कैसे प्रोटीन मिल सकती है हम लोगों को, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने उसमें लिखी हुई हूँ। आप jeevanjapan.com को फॉलो कीजिए, काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको। मैंने इस पानी को ड्रेन आउट कर ली हूँ, राइस में जो मैंने पानी थे उसे मैंने ड्रेन आउट कर ली हूँ, ना कि मैंने उसे बैठा के रखी हूँ। ड्रेन आउट करने के बाद एक ऐसे जालीदार पतीले में मैं ये राइस को रख रही हूँ सूखे में, ताकि इसमें जो भी पानी है वो थोड़ी और एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए अभी मैंने यहाँ पर 2 लैडल फुल मैंने यहाँ पर ऑयल दी हूँ। ऑयल का मात्रा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि मसाले हम फ्राई करने वाले हैं, राइस को हम लोग कुक करने वाले हैं इसी तेल में, तो इसीलिए 2 लैडल फुल मैंने यहाँ पर
तेल दे दी हूँ और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें जो मेरी मसाला बनाई थी मिक्सचर में, प्याज लहसुन की जो मैंने पेस्ट बनाई हुई थी, वो मैं इसे फ्राई करने के लिए मैं रख दे रही हूँ और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी इसे अच्छे से फ्राई करने करने के लिए मैं अभी जो है हीट को एकदम डाउन कर दी हूँ, क्योंकि जैसे आप इसमें जो है तेल में मसाला डालते हो, अगर आप ज़्यादा हीट रखोगे ना तो मसाला जो है इधर उधर एकदम इधर उधर छिटकने लगती हैं। वैसा नहीं करना है, तुरंत है ना आपको हीट को डाउन कर देना है। अभी मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक डालूंगी। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि मसाले में नमक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मसाले जल्दी से जल्दी पक जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी दी हूँ ताकि ये जो है अच्छे से, नमक डालने के बाद थोड़ा सा अगर आप पानी देते हैं तो वो अच्छे से मिल जाती है और अच्छे से पकना शुरू कर देती है। इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो आपके डिश में फ्लेवर लाएगी। देखिए अभी ये टेक्सचर काफ़ी चेंजेस दिख रही है। तेल जब तक नहीं छोड़ती आपकी मसाला, तब तक आप इसे फ्राई करें। उसके बाद आप इसे सोयाबीन को डाल दें। सोयाबीन को डालने के बाद आपको थोड़ा इसे फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि सोयाबीन क्या है ना कि वो एकदम मसाले के जो पानी है ना वो चूस लेती है। सोयाबीन को अगर आप ऐसे नॉर्मल पानी में रखोगे ना तो भी वो फूक जाती है, लेकिन उसमें क्या है उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अभी मैं यहाँ पर दो अंडा डालने वाली हूँ। दो अंडा अब फ्राई के टाइम में ही डालें। इससे क्या होता है, सोयाबीन में अच्छे से ये अंडे से मिल जाती है और ये जो है काफ़ी हेल्दी बन जाती है। अगर आप अंडा नहीं खाते हो मत डालिए, आप ऐसे नॉर्मली बना सकते हैं। आप इसमें पनीर डाल दीजिए। पनीर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ऐसे में तो अंडे को मैंने काफ़ी वेजिटेरियंस को मैंने देखी हूँ कि वो लोग अंडा खाते हैं लेकिन बाकी के बोन्स के जो चीज़ें होती हैं नॉनवेज वो सब नहीं खाते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप इसमें पनीर डाल दीजिए। ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर नॉर्मली डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं केचप डाल रही हूँ और ये जो है ये मसाला है जो मैंने सूखा मसाला बना के रखी थी वो ये है, और इसे जो है अच्छे से फ्राई कर लें। नॉर्मल ये जो है एक डालने के बाद एक अजीब सी खुशबू आती है, तो उस वक्त में आप ये मसाला डाल दें तो अच्छे से सारी चीज़ें जो है फ्राई हो जाएगी। अभी मेरी ये हल्का सा ये थिक सी एक ग्रेवी सी हो गई है। अभी मैं ये इसमें राइस पूरा डाल दूंगी। राइस को डालने के बाद हीट को एकदम लो कर दीजिए और इसे जो है तुरंत आप इस तरीके से अप एंड डाउन करते हुए चारों तरफ से इसे आप फ्राई कर लें। इस पे मैं थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। हालांकि मैंने मसाले में थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ, राइस को मैंने नमक के साथ कुक की हूँ, और मेरी जो सिजवन जो मसाला है याद रखना उसमें भी थोड़ी सी नमक रहती है। इसलिए आप नमक अगर उतना पसंद नहीं करते हो तो आप ज़रा टेस्ट करके डालना, ठीक है? और वैसे भी अगर आप इसे सिंपल खाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा नमक वाला चीज़, मतलब थोड़ा सा नमक तो लगेगा, क्योंकि टेस्ट के बिना आप इसे नहीं खा सकते। और ये मैंने डाली हूँ ये सेजवन मसाला थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही हम लोग राइस को कुक कर देते हैं ना तो उस टाइम में क्या होता है ना, ये मसाला का जो फ्लेवर है ना वो उग जाता है। तो अभी उसमें ये मैं मसाला डाल दी हूँ ताकि इसमें फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। और ये लीजिए, हमारी जो राइस है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और आप इसे सर्व कीजिए। किसी भी ग्रेवी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो आप इसे सिंपली केचप के साथ या फिर सॉसेस के साथ, सेजवन चटनी के साथ भी आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं।
इसे खाइए, इसे बनाइए और कम्प्लीटली इसे एंजॉय कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।